पर्दे पर चाहत बनकर कुर्बान होने की चाहत, लेकिन रियल लाइफ में डांस करने की चाहत। शिमला की लड़की जो पर्दे पर निभाती है एक बेहद इंटेंस किरदार, कैसी है रियल लाइफ में सीरियल कुर्बान हुआ की चाहत यानी प्रतिभा रानता। पर्दे की अदाकारा रियल लाइफ में है शिमला की एक ऐसी लड़की जिसे था डांस का शौक, जिसके चलते वो मुंबई आई और हालात ने बना दिया उसे सीरियल की अभिनेत्री। लेकिन अभी भी मुंबई में अकेली रहकर वो अपना खर्च संभालती है, सुबह सुबह अपना नाश्ता खुद बनाती है डांस की शौकीन। अकेली मुंबई में बना रही अपना करियर, घर से सेट तक का सफर अकेले तय करती है, सेट पर जाकर मेकअप शेकअप लगाकर बन जाती है चाहत, जो अपने हक के लिए कुर्बान होने को तैयार है। तो आज सास बहू बेटिया में हम प्रतिभा रंता के साथ करेंगे ओरिजिनल वाला डे आउट, गानेंगे कलाकार से किरदार बनने की दास्तां, झांकेंगे प्रतिभा की रियल लाइफ जिंदगानी में, खोलेंगे उनके जीवन के अनजाने पहलू, बिताएंगे उनके साथ पूरा एक दिन जिसकी शुरुआत हमने की सुबह सुबह उनके मुंबई वाले घर में जाकर, बजा के उनके घर की घंटी और उन्हें कहकर गुड मॉर्निंग। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग सास बहू एंड बेटियां। हेलो, हाउ आर यू? आप सबको अपने रूटीन पे ले जाती हूँ कि प्रतिभा पूरे दिन क्या करती है, तो आइए बैठिए। कंगना रनौत, रुबीना दिलैक और प्रीति जिंटा की तरह प्रतिभा है शिमला में पली बड़ी, लेकिन इनका डांस का शौक इन्हें मुंबई खींच लाया। मोस्टली मैं डांस करती हूँ कि हाँ मुझे बहुत सारी जगह मिल जाती है डांस करने के लिए। अभी तक मैंने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं किया है, और ये प्यारा सा टेडी बियर है। और आजकल मुंबई में वे अकेली रह रही हैं, खुद ही अपनी लाइफ मैनेज कर रही हैं और दिन रात कर रही हैं शूटिंग। लेकिन मॉर्निंग की शुरुआत होती है इनके फेवरेट काम से, जो है डांसिंग। जी हाँ, प्रतिभा को बचपन से डांस का शौक था और सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी डांस प्रैक्टिस करती हैं अपने इस फेवरेट गाने पर। डांस के बाद हो जाता है उनका वार्म अप और उसके बाद वो करती है योगा। ज्यादा स्ट्रेचेस इन्वॉल्वड है, और इस रूटीन को करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप बेसिक वार्म अप से शुरू करें। मैंने बेसिक वार्म अप से शुरू नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैबिचुअल हूँ इस रूटीन के, एंड यस ये रूटीन मैं करती हूँ। योगा के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग और आ जाती है उनपे एनर्जी दिन भर की दौड़ भाग के लिए। चलते हैं प्रतिभा की रसोई में और देखते हैं कि सुबह सुबह वो अपना नाश्ता कैसे बनाती है। भाई सुबह होते ही वो उठाती है दूध, उसमें मिलाती है चीनी और मिक्सी पर बनाती है मिल्क शेक ताकि उन्हें स्फूर्ति मिले। इसमें सिर्फ दूध एंड बनाना है, मैंने शुगर ऐड नहीं किया है क्योंकि तो फिर क्या फ़ायदा है अगर मैं वर्कआउट के बाद शुगर ले रही हूँ, डजंट मेक एनी सेंस। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बनाना एंड मिल्क है, तो इसको ग्राइंड करती हूँ। और इफ़ यू इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज़ तो आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बट मेरी फैमिली सोचती कि मैं बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल हूँ, तो कुछ ध्यान नहीं रखती होंगी, बट ऐसा नहीं है। दादू दादी मम्मा पापा, मैं अभी दूध पी रही हूँ और मैं आप लोगों का कहना भी मानती हूँ।
अब जरा प्रतिभा का मुंबई वाला घर देखें। भाई हाल ही में प्रतिभा अपने नए घर में शिफ्ट हुई है। आपको अपना प्यारा घर दिखाती हूँ जो मैंने मुंबई में लिया है। तो ये सिटिंग एरिया है, सारा पूरा सिटिंग एरिया है। मोस्टली मैं डांस करती हूँ और ये प्यारा सा टेडी बियर है जिसको रात को कडल करके मैं सोती हूँ। ये मेरी किचन है। अब नेक्स्ट मैं आपको अपने रूम में ले जाती हूँ। ये मेरा रूम है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये शीशा लगती है क्योंकि यहाँ मैं अपने आप को देख सकती हूँ। और आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सब बहुत ब्लू 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 है क्योंकि ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है। कर्टन्स भी ब्लू है। मैंने इनफैक्ट अभी भी खुद ब्लू पहना है क्योंकि ब्लू मेरा बहुत फेवरेट कलर है। घर में ज्यादा सामान तो नहीं लेकिन है कुछ छोटी छोटी चीजें, तो जरा लेते हैं प्रतिभा के घर का एक टूर। वैसे आम लड़कियों की तरह प्रतिभा को भी अपनी अलमारी में ढेर सारे कपड़े कलेक्ट करने का शौक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रतिभा की अलमारी में क्या है। ये मेरी फेवरेट ट्यूब ड्रेस है, इसको मैं पहनती हूं। एक और दिखाती हूं। ये ब्लैक कलर में, बट यार दिस इज आल्सो माय फेवरेट ड्रेस बिकॉज इट वाज अ गिफ्ट। अच्छा हाँ, मैं आपको बचपन की पिक्स दिखाऊंगी अपनी। मैं शिमला से हूँ तो आप लोग सोचोगे कि इतनी मोटी जैकेट क्या कर रही है। शिमला में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो जब मैं मुंबई आई थी तो उस टाइम शिमला में ठंड थी, तो मैंने ये कोजी जैकेट खरीदी क्या लाई थी अपने साथ, जिसको पहन के यहाँ पर बहुत गर्मी लगती है। तो आप देख सकते हैं कितनी मोटी है, बहुत ही थिक जैकेट है, पर शिमला में इट्स द बेस्ट। और मैं मुझे शिमला की बहुत ज़्यादा याद आती है, स्पेशली विंटर्स, शिमला के विंटर्स, क्योंकि मुझे मुंबई में ज़रा भी आदत नहीं है, बट इट्स ओके, अब मुझे आदत पड़ जाएगी बॉम्बे की। बट आई लव यू शिमला एंड आई मिस यू सो मच। वैसे प्रतिभा आज हमें अपने बचपन की एल्बम भी दिखाने वाली हैं। दिखाएंगी अपने बचपन की तस्वीरें, अपनी फैमिली की तस्वीरें और उनकी डांसिंग की तस्वीरें, कैसे एक डांस रियलिटी शो ने उनकी लाइफ बदल दी और वो पहुंच गई शिमला से मुंबई। विभादी, सिमी और छोटा भाई मेरा, ये मेरी दादी। तो मैं 2 साल की थी तब से मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे दिल में है, तो हमेशा उनकी पिक्चर हमने यहाँ रखी है। ये दादी, ये बहन, ये मेरी मम्मा है। सब लोग बोलते हैं कि मैं मम्मा पे बहुत ज़्यादा गई हूँ, मतलब मैं शिमला जाती हूँ तो सब मुझे बोलते हैं अरे यू लुक लाइक सो मच लाइक योर मॉम, यू लुक सो मच लाइक योर मॉम। दिस इज़ द ट्रूथ, आई डू लुक लाइक माय मम्मा। ये मम्मा, ये फिर से मैं, मेरी बहन, ये मेरा भाई छोटा भाई, ये मेरे दादू दादी, मेरी बहन फिर से, ये मेरे चाचू, ये मेरा गाँव है जो शिमला से भी थोड़ा ऊपर है, ये वहाँ की वैली है, अगर आप देख दिख रही है, इस जगह का नाम रोडू है। कुछ आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी है। फिर ये मैं, मेरी बहन, ये मम्मा, भाई, ये फ्रेम, ये मेरे पापा, ये छोटी सी मेरी बहन और ये छोटी सी मैं, बाकी यू ऑल नो ये दादी है, ये मम्मा है, ये पिक्चर यस। ये जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, 7th स्टैंडर्ड या जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, ये लास्ट ईयर जब मैं स्कूल के प्ले में पार्टिसिपेट किया था मैंने, ये भी उसी की पिक्चर है, ये भी उसी की पिक्चर है, ये भी प्ले की पिक्चर है, ये भी उसी प्ले की पिक्चर है, ये भी उसी। और ये मेरी 8th स्टैंडर्ड की क्लास फोटोग्राफ, ये कुसुम मैम है जो मैथ्स टीचर होती थी मेरी, और यहाँ पे कहीं मैं हूँ। ये मेरी 12th स्टैंडर्ड की पिक्चर है, तन्नू मैम, मैम आई मिस यू सो मच, और मैं कहाँ हूँ, मटका चका था और हम हरियाणवी राजस्थानी डांस कर रहे थे, तो मैंने अपने सर पे बैलेंस किया था। तो सबसे मेमोरेबल डांसिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल परफॉर्मेंस मेरी हिप हॉप इंटरनेशनल की ही थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ पार्टिसिपेट करके, इनफैक्ट 2nd पोजीशन बैंक करके बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि शिमला से हमारा पहला क्रू है जो हिप हॉप इंटरनेशनल में जिसने पार्टिसिपेट किया था।
अब बारी है रेडी होने की। भाई प्रतिभा को अपने सीरियल कुर्बा हुआ के सेट पर जाना है, इसलिए नहा धोकर वो तैयार है। तो देखते हैं क्या होता है उनका सुबह सुबह का रूटीन। क्योंकि रोज आयन हो रहे हैं, इतने सारे केमिकल्स लग रहे हैं, तो मुझे रोज बाल वॉश करने पड़ते हैं। एंड अब ज्यादा मैं तैयार होती नहीं हूँ, बिकॉज सेट पे जाके भी तैयार ही होना है। और जब मैं शिमला में होती थी, मैं ज़्यादा मेकअप अप्लाई करती नहीं थी, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती थी कभी। तो अभी भी मैं ज़्यादा कुछ अप्लाई करूँगी नहीं, पहले बॉडी लोशन लूँगी, ये बॉडी लोशन जो मैं यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा मैं बाजू में लगा लेती हूँ और नेक पे। फेस के लिए आई यूज़ द सनस्क्रीन, बिकॉज सनस्क्रीन बॉम्बे में बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर वो मेरे बैग में है। सनस्क्रीन बस मैं बस ये करके घर से निकलती हूँ। और परफ्यूम, परफ्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नीड टू स्मेल गुड एवरी डे, सो परफ्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। BOSS। वैसे घर पे निकलने से पहले उन्होंने अपना फेवरेट डांस भी हमें दिखाया। भाई ये उनका पहाड़ी सॉन्ग है जो फिल्मों में काफी हिट हुआ। तो देखें प्रतिभा का ये लॉन्ग लाची डांस। ना किसी को पता भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि हाउ इट वर्क्स, क्या क्या होता है। सो आई गेस इट्स अ बिग थिंग फॉर मी दैट टुडे आई स्टैंड हियर, आई हैव सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। सो यस, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। फाइनली प्रतिभा रेडी है अपने सेट पर जाने के लिए, इसलिए उन्होंने अपने घर को कहा गुड बाय और सवार होली हमारे साथ हमारी गाड़ी में। प्रतिभा अपने सेट के पास ही रहती है, इसलिए अपने घर से सेट तक के सफर लंबा नहीं। तो फाइनली हम पहुंचे कुर्बा हुआ के सेट पर। ये है मेरा सेट जो बहुत ही क्यूट सा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी सेटअप ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, पर मैं तो नहीं हूँ फर्स्ट सीन में, पर मेरा तो थोड़ा लेट है। यहाँ देखो, यहाँ सब लोग हैं, सबको मैं हाई करने वाली हूँ। सबसे मिलने मिलाने के बाद चलते हैं उनके मेकअप रूम में, जहाँ उनकी रूममेट कर रही है उनका इंतजार। ये नवेली है जो यहाँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, क्योंकि सिर्फ यही मेरी एज थी, बाकी सब मुझसे बहुत बड़े हैं। और ये कोई सीरियल देखती रहती है जो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है, मैं इसे बोलती हूँ मुझे बहुत इरिटेशन होती है। ये टर्किश सीरियल, हाँ ये टर्किश सीरियल, कोरियन सीरियल देख के मिलेगा, तुम देखो इसको। मैं बोलती हूँ जो सीरियल जो देखती ये मुझे नहीं, नॉट माई थिंग। चेयर कौन नहीं है, शिव रुद्र प्रसाद, शिव रुद्र। अब बारी है कलाकार से किरदार भी ढलने की, यानी प्रतिभा बन जाएगी चाहत। पर इसके लिए होगा उनका मेकओवर। अब मेरा मेकअप शुरू हो गया है, और मेरा मेकअप का जो रहता है वो बहुत ही सिंपल सा रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादा हूँ नहीं, मेरा कैरेक्टर बहुत सिंपल सा है, तो मेकअप भी मेरा बहुत सिंपल सा रहता है। चाहत चूंकि एक मुस्लिम किरदार है, इससे प्रतिभा का मेकअप थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले उनके बालों को संवारा जाता है, उसके बाद चेहरे का मेकअप, आंखों का मेकअप। Thank you.
कॉस्ट्यूम चेंज प्रतिभा बन गई चाहत, लेकिन चाहत का असली लुक आता है इस नथ के साथ। मैं आ गई हूँ, ये चाहत का गेटअप है, आप देखोगे भी आगे आने वाले एपिसोड में चाहत ने ये कॉस्ट्यूम पहनी है, क्यों पहनी है उसके लिए आप देखते रहिए, कुर्बान हुआ आपको पता चल जाएगा। फाइनली सूट वूट पहनकर चाहत रेडी है तो हो जाए चाहत के अंदाज में एक खास डांस जो प्रतिभा की खासियत है। वैसे तैयार होने के बाद प्रतिभा ने अपना नाश्ता किया, बिचारी अकेली रहती हैं और सेट पर ही अपना सुबह सुबह नाश्ता करती हैं। तो सैंडविच, जूस भी है, जूस मैंने पी लिया है, थोड़ा और पी लेती हूँ आपके सामने, बाकी मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ, तो ये वापस मेरे बैग के अंदर जाएगा। नाश्ते के बाद प्रतिभा का सीन लग गया, लेकिन उससे पहले सोनाली के साथ जरूर मिलती है क्योंकि वो उनकी फ्रेंड जो बन गई है। हम दो उत्तराखंड में बहुत अच्छे दोस्त, एक्चुअली हमारा मतलब क्योंकि कनेक्शन ऐसे हो पाता है। हाँ, हम उत्तराखंड में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि सिर्फ वहाँ हम दो रहते हैं और हमारे पास गॉसिप करने के लिए सिर्फ हम दो थे, तो हम वहीं पे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो चलो, मैं तो बहुत लेट हो रही हूँ, आप भी लेट हो रहे हैं, जल्दी आइए। जी 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 जी। सोनाली के साथ गपशप के बाद शूटिंग और उसके बाद वक्त हो गया है सास बहू और बेटिया के जाने का। सास बहू एंड बेटिया के साथ बहुत अच्छा था, मैंने आप सबके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया एंड आई होप आप लोग भी मेरी पूरा डे आउट देखें, उसे देखें कि मैं चाहत क्या करती है, प्रतिभा क्या करती है, मैंने आपको अपना पूरा डे आउट दिखाया, होप यू ऑल लाइक इट, थैंक यू, बाय। तो उम्मीद है कुर्बा हुआ की चाहत के साथ पूरा दिन बिताकर हिमाचल की इस लड़की के बारे में छोटी छोटी अनजानी बातें पता चली होगी जो आपको बतलाई आपके फेवरेट शो सास बहू और बेटिया ने। मुंबई से नुपुर मावची के साथ आज तक ब्यूरो।